चिरमिरी पुलिस की कार्यवाही से पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई। नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 32 की एक महिला जो स्कूल के कार्य से बैंक जा रही थी, तभी घर से कुछ दूर पर बाइक चालक और उसके साथी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारकर जान लेने की कोशिश की, जिसके चलते उक्त शिक्षिका एवं उसके बेटे को काफी गंभीर चोट ऊपरी एवं शरीर के अंदर में आने के कारण लहूलुहान हो गए। वहीं दूसरी तरफ उक्त महिला के बेटे को भी अंदरूनी चोटें आने के कारण पैर में काफी परेशानी आई, जिन्हें तत्काल आसपास के मोहल्ले वालों ने गोदरीपारा रीजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उक्त शिक्षिका की हालत को देखते हुए तत्काल प्राथमिक उपचार कर पुलिस को इसकी खबर दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर उक्त पीड़ित महिला का बयान दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई का आश्वासन देकर माँ बेटे का बयान दर्ज कराकर हस्ताक्षर कराकर चली गई और उक्त शिक्षिका का रीजनल अस्पताल गोदरी पारक में एक्सरे के आधार पर मामला दायर कर दिया। लेकिन उक्त शिक्षिका के लड़के का मेडिकल चेकअप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बाजार में एक्सरे करवाना था, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि मशीन ठीक नहीं है, फिल्म नहीं है कहकर समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित महिला और उसके बेटे का सही से उपचार और जो मेडिकल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी तत्काल नहीं हो पाई और न ही पुलिस ने उन शख्स को खोज पाई जिन्होंने दुर्घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बाइक क्रमांक MP17HC1708 जो मध्य प्रदेश की या दोनों शख्स किस नियत से इस घटना को अंजाम दिए, आज तक पुलिस की कार्यवाही समय पर ना करना, न ही प्राथमिक उपचार करवाना उनके संदेह को जन्म दे रहा है, जिसके चलते पीड़ित महिला ने अपने एवं अपने बेटे की बिगड़ती हालत की जिम्मेदारी के संबंध में उच्च अधिकारियों से इसकी गुहार लगाने हेतु दोषियों पर तत्काल कार्यवाही करने एवं उचित इलाज कराने की मांग करते हुए मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पुलिस प्रशासन, गृह मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक से न्याय की गुहार की मांग कर रही है।